पाइनएप्पल कट करने के लिए हमें एक शार्प नाइफ की जरूरत पड़ेगी और आप देख सकते हैं कि हमें अंदर से बाहर की तरफ मुड़ना है और फिर अंदर की तरफ में एंड करना है। इस तरीके से हम पाइनएप्पल को पील करेंगे। हम नॉर्मली जब हम घर में पील करते हैं या फिर फ्रूट स्टॉल पे जब हम पाइनएप्पल पील करते हैं तो हम ज्यादा वेस्टेज नहीं निकालते हैं। बस आपकी नाइफ बहुत शार्प होनी चाहिए ताकि इजीली आप स्किन को पील कर सके। अगर यही पाइनएप्पल हम होटल में 5-स्टार होटल में पील करते तो हम इसे ज्यादा डीपली पील करते हैं। अगर कुछ रह गया है बॉटम में या साइड में उसे आप देखकर दोबारा पील कर लीजिए। अब बारी है पाइनएप्पल के ब्लैक आइस को निकालने की। ये देखिए मैं किस तरह से कट लगा रहा हूं पाइनएप्पल में। मेरी नाइफ जो ब्लैक आइस है उसके बाजू में ही मैं इसे स्लिट मार रहा हूं। इस तरह से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, दोबारा देखिए, हल्का सा स्लिट मारना है, ज्यादा डीप नहीं मारना है। हमें सिर्फ ये ब्लैक आइस को निकालना है। अगर आप ये ब्लैक आइस को रखते हैं और पाइनएप्पल को डायरेक्टली स्लाइस मार के आप खाओगे तो जब आप खाओगे तो एंड में आपके मुंह में ये गार्बेज जैसा रह जाएगा और लिटरली आपको लास्ट में फेंकना ही पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप इसे पहले ही निकालिए ताकि आपको खाने में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो।